हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तीन दिन से प्रदेश में गेहूं खरीद का काम जारी है। प्रशासन ने भी खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हर मंडी में और परचेज सेंटर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। और वहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ आढ़ती पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। जुलाना मंडी के आढ़ती भी मंडी गेट पर पिछले दो दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं और किसी भी किसान की फसल को मंडी में नहीं उतरने दे रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसल बेचने को लेकर लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल चल रही है, वहीं किसान भी दो राहें मोड़े पर खड़ा है कि वो अपनी फसल लेके जाए या ना जाए। किसान का मानना है कि वो अपनी फसल को तैयार जो खेत में है वो किस प्रकार से निकाले, क्योंकि उसे अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि वो फसल लेके जाएगा तो उसकी फसल की खरीद हो पाएगी या नहीं। हम खुद किसानों से पूछ लेते हैं कि वो अपनी फसल को किस प्रकार बेचना चाहते हैं और उनको कितना नुकसान इस समय हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है जी, देख लो जी, ये कटाई हुई पड़ी है। हमें तो जी अड़ती से ही काम है, अड़ती से संपर्क हो जाए हमारे, हम अनाज मंडी में रख देंगे जी। वैसे कि हमें अड़ती से ही काम बनेगा, हमें जो ठेके पर जमीन ले रखी है और है हमारी जो हरी बीमारी है, अड़ती ही काम आता है जी हमारे तो। और तो यह बात सरकार तो यह तो नहीं कह रही, लाले ठीक है, गरीब आदमी को तो बोल दिया कि उसको राशन मिलेगा। हमें तो यह भी नहीं, हमारा तो कार्ड भी नहीं बन रहा जी, सही पूछो तो। हम तो मार में आ रहे हैं जी, तुम्हारा सारे गलत है ना। हमें डीजल की जरूरत पड़ा तो जी अर्ची पर्ची दे दे है, बीज खाद की पड़ा तो अर्ची पर्ची दे दे जी। आप बताओ जी, एकदम हमारा दुख सुख में वो साथ दे तो हम भी उनका दिवाएंगे जी। सरकार तो मान ले ठीक है जी, सरकार अपनी जगह पर ठीक है। जब मान ले या कोरोना वायरस बीमारी नहीं होती तो जी पब्लिक की जमींदार रोड पर जाना जी ठीक। ये देख लो जी, हमारा अनाज कटा पड़ा है जी, माम ने इसको छेड़ दिया जी, इतना हमारा अड़ती में नहीं जाना। माम तो जी परेशान हो लिए पूरे, पहले तो हमने राम ने मार दिए, फिर सरकार ने मार दिए। अगर आप लोगों की बात की जाए, गेहूं आपका तैयार है, फसल तैयार है, कट चुकी है, कितने दिन आप ऐसे अपने घर में रखोगे, खेतों में पड़ी रहेगी, क्योंकि जरूरत तो हर किसी को होती है। आज कर्जा तो उसका बर्तरा क्या जी, वो ये बात है जी, और किसी का बेचाएंगे तो वो हमारी कैरिया का लखन ला जाए, क्यारी और जानी रहेंगी, अनाज ने देख कर अगले उल्टे तो चले जाएंगे। माम भैया ये बात कही रहा, बोड़ बोड़ करना भैया अनाज अनाज ले जा तू, वो यह बात कह रहे हैं भाई। अगनाज तो हमारा भी कह नहीं रहा, माम कित ले जाऊँ, यह बात कहे जी वह बस रुपये नीचे आ रहे हैं जी हमारे, हमने उनका व्यवहार देना है जी ठीक। या तो हमें सरकार रुपया दे दो जी मोकड़े, एक बार हम उनका क्लियर हिसाब कर देंगे, फिर हम तो कितने बिकवा लियो हमारी मारी अड़तिया की तो मैं पूरी हुआ कर दो जी। हम बहुत 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 शुक्र मानना है या जी, रुपये मान लेनी कहो मैं तो चल ठीक है जी, एक छोटा किसान हूँ, बहुत बड़े बड़े किसान है जी, उनको और भी गणा बिगन पाओगा जी। रुपया अड़ती का जी एक फसल मार में जी, जीरी भी भाव नहीं देव की बार, जीरी के भी भाव जो मैं डाउन थे जी, रुपया बहुत सरो रहे हैं जी अड़तिया के। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि जो उनका लेन देन वो आड़तियों के साथ रहा है और भले ही उनकी फसल खेत में कट चुकी हो, लेकिन उसकी निकाली और मशीन तब ही लगाएंगे जब उनका फैसला कुछ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो उधार आड़तियों से लिया है वो उन्हें चुकाना है। फसल की बिक्री हो नहीं पा रही, सरकार अगर खरीद करती है तो पैसा आड़ती को कैसे लौटा पाएंगे, इतना पैसा सरकार की तरफ से शायद उन्हें ना मिल पाए, जो व्यवहार है उनका वो खत्म हो जाएगा। इसलिए किसानों का मानना है कि जो फसल उन्होंने तैयार की है भले ही वो खेत में खराब हो जाए, लेकिन वो अपना भाईचारा और अपना लेन देन आड़तियों के माध्यम से ही रखना चाहते हैं और इसी को लेकर वो अभी भी असमंजस में है कि वो फसल को कटाई कर मंडी तक ले जाएं या ना ले जाएं। जुलाना से जगमे सिंधु।